हाय, मेरा नाम है शहनाज। हल्दी हर कोई यूज़ करता है खाना बनाने के लिए, कुछ लोग यूज़ करते हैं इसे फेस पे लगाने के लिए। तो इस हल्दी के अलावा भी मेरे पास एक ऐसी हल्दी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं बताने वाली हूँ उस हल्दी के बारे में। ये वाली हल्दी कस्तूरी मंजल पाउडर उर्फ आंबा हल्दी। आंबा हल्दी ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? ऑनलाइन तो मिल ही जाएगी, लेकिन ऑनलाइन मुझे लगता है ये कॉस्टली मिलती है। लेकिन ऑफलाइन आपके नज़दीकी किसी भी हर्ब टाइप की शॉप होती है जहाँ हर्ब नेचुरल चीज़ें मिलती है, जैसे कि शिकाखाई हो गया, आंवला, सूखे ड्राई आंवला, तो वैसी जगह पे मिल जाएगी। कोई कोई किराना की दुकान में भी इसे रखता है, पैकेट भी रखता है, खुला भी रखता है। इसका खुला भी मिलता है और पैकेट भी मिलता है। अब इन दोनों हल्दी में क्या डिफरेंस है? देखो, ये जो हल्दी है हम ज़्यादातर लोग इसे यूज़ करते हैं, एक चुटकी डाल दिया बेसन में और उसमें कुछ भी डाल दिया, चंदन पाउडर या फिर मुल्तानी मिट्टी या दूध या फिर लेमन, बेसन मिला के पेस्ट लगा लिया और हम मस्त करते, यार नेचुरल लुक होगा, यार थोड़ा ग्लो व्लो आएगा नेचुरली। तो बात ये नहीं है कि ये बेनिफिशियल नहीं है हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए डेफिनेटली है। लेकिन इसको मैंने 1 मंथ यूज़ किया, हमेशा कोई ना कोई बोलता था हर रोज़ कि तेरा मुंह पीला क्यों लग रहा है। तो हर दिन कभी ना कभी मुझे सुनना ही पड़ता था कि तेरा मुंह पीला क्यों दिख रहा है। इस हल्दी में ना फेस पीला नहीं दिखता है। मैंने इसे यूज़ किया तो इसमें मुझे हाँ येल्लोइश नज़र आया, लेकिन मैं इसे यूज़ कर रही हूँ 1 मंथ से, मेरी स्किन में मुझे इसका क्या फ़र्क नज़र आया। इसका रिजल्ट मुझे इसलिए अच्छा लगा, पहले बात तो मुझे पीला येलोइश कभी किसी ने नहीं बोला कि तेरा मुंह पीला पीला क्यों लग रहा है। और जो थोड़े बहुत मुझे डार्क सर्कल थे, मैंने मेरे वो रिमूव हुए, लाइट हुए, मतलब 1 मंथ में। और जो भी छोटे छोटे डार्क स्पॉट होते वो थोड़े लाइट हो गए, एंड मेरा जो स्किन है मुझे थोड़ा थोड़ा इवन लगने लग गया है। और इसको लगाने के बाद, मतलब मैं बेसन में इसको डालती हूँ और थोड़ा चंदन पाउडर या थोड़ा मुल्तानी मिट्टी डाल के मिक्स करके, पानी ही, दूध नहीं, पानी ही डालकर मिक्स करके उसको लगा लिया करती हूँ। तो मेरी स्किन इतनी स्मूथ लगती है, स्मूथ स्मूथ फील होता है और येलोइश तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, और स्किन भी इवन टोन लगती है। तो ये इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है गुड फॉर एक्जेमा, प्रेरिटस, स्कैबीज, ब्लैक स्पॉट्स, पिंपल्स। व्हेन यूज रेगुलरली एज बाथिंग पाउडर मेक द बॉडी ग्लो, कीप द स्किन सॉफ्ट एंड ऑर्डर फ्री और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। तो ऑर्डर फ्री तो मुझे इतना कुछ अभी तक उसका रिजल्ट मिला नहीं ऑर्डर फ्री का। इसकी खुशबू अलग होती है इस हल्दी के मुकाबले। जब आप स्मेल करोगे एक बार तो आप दोबारा पहचान जाओगे कि अम्बा हल्दी कौन सी है। तो इसकी स्मेल भी अलग होती है, और ये जो होता है अम्बा हल्दी ऐसे पीसेस में भी आता है, ये पाउडर है अंदर, ये अंदर जो है ये ऐसा पाउडर है। और इसका कलर आपको मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा। कलर ये एकदम येलो होता है और ये थोड़ा डार्क, थोड़ा थोड़ा ब्राउन येलो ही, पर ब्राउन ब्राउन सा है मतलब, और ये एकदम येलो येलो सा है। तो ये आंबा हल्दी है पाउडर फॉर्म में, ऐसे पीसेस में भी आती है, लेकिन आप इसे ले सकते हैं पीसेस वाली। बट क्या होता है ना, वो मिक्सर में पीसे नहीं जाएगी। तो आप आंबा हल्दी भी बोल सकते हैं, कस्तूरी मंजल पाउडर भी बोल सकते हैं। ये हल्दी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये आपके अगर स्ट्रेच मार्क है तो उसे लाइट कर देगी, इवन स्किन टोन कर देगी, जो डार्क स्पॉट है उसे लाइट करते 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 लाइट होते जाएंगे। बट इसे रेगुलरली यूज़ करना चाहिए आपको। एक और बात ध्यान में रखिए, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, बहुत पतली सी स्किन है, तो या तो इसे ना लगाए, और अगर आप लगा भी रहे हैं तो इसके अंदर रोज़ वाटर लगा डाले और इसे स्किन पर रब नहीं करना, लगाना 15 मिनट छोड़ देना और वॉश कर देना। और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप इसे हल्के से मसाज करते हुए भी निकाल सकते हैं, स्क्रबिंग करते हुए भी निकाल सकते हैं, आपकी स्किन एकदम स्मूथ हो जाएगी। तो ये था आंबा हल्दी का रिव्यू, लेकिन अगर आप आंबा हल्दी के साथ जाएंगे तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसके भी काफ़ी बेनिफिट है, लेकिन अगर आप फेस के लिए यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको ये कमेंट ना मिले कि आपका भी फेस येलो येलो क्यों दिख रहा है, तो आप इसमें जाइए ज़रूर और इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा।
और बताइएगा कमेंट में कि आपको ये कैसी लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सपोर्ट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू। बाय बाय।